मुरादाबाद के थाना सिविलाइन क्षेत्र अंतर्गत कपूर कंपनी के पास कूड़ा घर में एक बच्ची को हत्या कर उसके शव को जलाकर फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और जांच में यह पाया गया कि इस बच्ची का पहले अपहरण किया गया, उसके बाद इसका बलात्कार करने के साथ इसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के सिविलाइंस थाना क्षेत्र में 3 साल पहले हुई बच्ची की सनसनीखेज हत्या का सिविलाइंस थाना पुलिस टीम ने खुलासा कर दिया है। सिविलाइंस थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर इस सनसनीखेज हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर 3 साल पहले हुई बच्ची की हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि 5 सितंबर 2018 को सिविलाइंस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 3 साल की बच्ची के घर के सामने से गायब होने के संबंध में सिविलाइंस थाने में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर सिविलाइंस थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। 6 सितंबर को सिविलाइंस थाना क्षेत्र कपूर कंपनी रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव जली अवस्था में मिला। बच्ची के शव की शिनाख्त के लिए काफी प्रयास किए गए। लापता हुई बच्ची के परिजनों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराई गई, मगर शव के अधिक जले होने के कारण शव की पहचान नहीं हो सकी थी। अज्ञात शव की पहचान कराने के उद्देश्य से मिले शव का डीएनए लापता बच्ची के परिवार से कराया गया। डीएनए रिपोर्ट में ये सिद्ध हो गया कि जला हुआ शव लापता बच्ची का है। इस मामले में सिविलाइंस थाना पुलिस टीम ने 3 साल बाद एक बड़ी सफलता हासिल की है। 3 साल पहले हुई इस बच्ची की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस टीम ने सिविलाइंस थाना क्षेत्र के फकीरपुरा निवासी रविंद्र पुत्र सूरजपाल और बिजनौर जनपद के धामपुर थाना क्षेत्र के गांव बसेड़ा निवासी मिंटू पुत्र राजू को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शराब का सेवन करने के बाद जन्माष्टमी के जुलूस के दौरान बच्ची को दुकान से टॉफी दिलाने के बहाने उसका अपहरण कर लिया था और कपूर कंपनी रेलवे लाइन पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर दी थी और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को जलाकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था। वहीं इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को डीआईजी ने 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार की घोषणा की है। ये थाना सिविल लाइन पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए लगभग 3 साल पहले एक अनसुलझे हत्या के केस का अनावरण किया है। 6 सितंबर 2018 को एक अज्ञात बच्ची का जले हुए शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त उस समय नहीं हो पाई थी। इसके बहुत प्रयास किया गया। उसी दिन एक गुमशुदगी भी दर्ज हुई थी, उसमें उनके परिवार वालों ने बताया था कि 5 सितंबर को वहाँ पे एक जुलूस, जन्माष्टमी का जुलूस निकल रहा था, उसी में ही उनकी 3 साल की बच्ची गायब हो गई, जिसमें 363 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जो ये शव बरामद हुआ था, इस शव को इनके माता पिता को भी दिखाया गया था, जिसमें गुमशुदगी दर्ज हुई थी। उस समय वो इस शव को पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि शव की जो कंडीशन थी बहुत ही ख़राब थी। फिर उस समय तत्काल नीन समय में डीएनए टेस्ट के लिए इस मुकदमे में जो वादी थे 363 वाले, उनके माता पिता का सैंपल और इस शव के सैंपल को डीएनए टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था। अब जब इसकी लैब रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें कंफर्म हुआ कि वही इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे जो शव बरामद हुआ था। इसमें फिर पुलिस ने नए सिरे से वापस इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इसमें आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका एक का नाम रविंदर है और मिंटू है, दूसरा मिंटू। दोनों से जो पूछताछ की गई, इसमें इन्होंने इस घटना को करने का स्वीकार किया। इन्होंने ये बताया कि उस जन्माष्टमी के जुलूस में पहले तो ये जो रविंदर था, इसने टॉफी का दिखावा देके इस लड़की को, अपनी बच्ची को अपने साथ ले गया। यहाँ आगे रविंदर और मिंटू जो पास में रेलवे लाइन है वहाँ ले गए, वहाँ इस बच्ची के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया, फिर इसकी हत्या करी और इसके शव को वहाँ पे जल रहे कूड़े में फेंक दिया। इसमें इनके द्वारा ये बात स्वीकारी गई है। इसमें जो अन्य तथ्य भी है आधार पर, इनको आज हिरासत में ले गया और इनको आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें थाना सिविल लाइन द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। डीआईजी मुरादाबाद द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए इनको 25,000 का इनाम तथा प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की गई है।